दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, और सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगी कि आज 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खेलों खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। लगभग 8-10 साल पहले मैं मिल्खा सिंह से मेरे प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। जो उनके विचार थे, जो खेलों के को आगे बढ़ाने की उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के खेल आगे कैसे बढ़े, ओलंपिक मेडल कैसे आए। उन्होंने खुद 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक में 4th प्लेस उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने वो अनुभव भी शेयर किया और मेरे से भी बोला कि अपना टारगेट बड़ा रखो, तभी उसको हासिल कर पाओगे। आज बड़ा दुख का दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, खेल प्रेमियों के लिए, कि कुछ दिन पहले एक हफ्ता पहले ही उनकी धर्मपत्नी सुरक्षित डाल गई थी और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों